गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का 5th चैप्टर पढ़ते हैं, गुरुभक्त आरुणी। प्राचीन काल से कथा अस्त, प्राचीन काल का समय है, बहुत पुराना समय की कथा है। एकस्मिन आसमे ऋषि धाम्य शिष्य सहवसत अस्म। एक आश्रम में ऋषि धाम्य अपने शिष्य के साथ रहते थे। ते शिष्या आश्रम निकसा कृषि क्षेत्र से कृषि कार्य में भी कुरवंती अस्म। ठीक, उनके शिष्य वे शिष्य आश्रम के पास कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए कृषि कार्य करते थे। तेसु एक अतीव सरल बाल आसीत। उनमें से एक बहुत ही सरल बालक था, तस्य नाम आरुणी आसीत। उसका नाम आरुणी था। वर्षाकाले कस्मिन् दिवसे प्रचण्डा वृष्टिर्भवत्। वर्षाकाल बरसात के समय में एक दिन बहुत तेज बरसात हुई। पूर्व धान्य क्षेत्रे धान्य रोपित मासित। पहले धान का खेत रोपा गया है, अतः तत्र जलम रछड़ी मासित। अत्र तत्र अतः वहाँ पर जल का रक्षण जरूरी था। गुरुधाम में आरुणी आहुई अवदत। गुरुधाम में जो है आरुणी को बुलाते हैं। आरुणी हे आरुणी धान्य क्षेत्रम गच्छ। धान के खेत की तरफ जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु। वहाँ पर जल का रक्षण करो। त्वरितमेव आरुणी ही धान्य क्षेत्र प्रति अगच्छत। तुरंत आरुणी जो है धान के क्षेत्र के प्रति की ओर जाने लगा या गया। एकस्मिन स्थले क्षेत्र बंध भग्न आसीत। एकस्मिन स्थली मतलब एक स्थान पर क्षेत्रबंध भग्न आसीत। एक जगह क्षेत्रबंध टूट गया था। तेन कारण क्षेत्र से जलम बहिः निर्गच्छति अस्मि। उस कारण से क्षेत्र से जलम क्षेत्र का जल जो है चारों तरफ बहता चला जा रहा था। जल से रक्षणार्थ क्षेत्र से बंध अवश्यम रक्षणी। जल के रक्षण के लिए क्षेत्र का बांध अवश्य रक्षणी करना था या रक्षा करना था। इत्यारुणी ही अचिंत्यत। अरुणी जो है चिंता करने लगा। भग्ने क्षेत्र बंधे अरुणी मृतिका स्थापितवान। जिस क्षेत्र में पानी जा रहा था क्षेत्र बंधे अरुणी जिस क्षेत्र बंध मतलब जिधर क्षेत्र बंध टूटा हुआ था उधर अरुणी जो है मिट्टियों को वहाँ पर लगा रहा था। परंतु त्वरित में उग्रेण जलवेगेन मृतिका प्रवाहिता। अरुणी वारंवारं क्षेत्रबंधे मृतिकाम अक्षिपत। ठीक, परंतु त्वरित में उग्रेण जल परंतु किंतु तुरंत उग्रेण तेज रूप में जल का वेग
मिट्टी को हटा दिए। अरुणी बारम बारम छेद बंद मित्ति काम अक्षिपद, अरुणी जो है बार बार छेद बंद को मिट्टियों से बांधता है। परंतु सकला प्रयासा व्यर्था एवा भवम, परंतु किंतु उस सकला उस पूरा प्रयास व्यर्थ जाता है। आरूढ़ी एक एक उपाय चिंतमान, आरूढ़ी जो है एक उपाय सोचता है। क्षेत्र बंधे अस्मिन स्वयमेव सहित्वा जलावरोधम करिष्यामि, क्षेत्रबंध जहाँ पर क्षेत्रबंध टूटा हुआ है उसके सामने हम स्वयमेव सहित्वा अगर हम सो जाएं जलावरोध करिष्यामि, जल का अवरोध कर सकते हैं। स तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे कर्दमाप्ते जले लंबमान अतिष्ठत, सह तस्मिन् भग्ने जहाँ भग्ने क्षेत्रबंधे कर्दमाक्ते जले लंबमान अतिष्ठ, लंबाई में वहाँ क्षेत्रबंध पर कर्दमाक्ते जले लंबमान लंबाई में बैठ गया, जलस प्रवाह है रुद्ध, जल का प्रवाह रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे सैत्यम कष्टम च, ऊपर से बरसात शरीर सत्यम कष्टम च, शरीर को कष्ट दे रही थी। तथापि धान्य क्षेत्र से रक्षणाय अरुणी तत्र तथैव अतिष्ठत, तथापि धान क्षेत्र से रक्षणा है, धान के खेत के रक्षण के लिए आरूढ़ी जो है तत्र तथैव अतिष्ठत वहाँ पर बैठ गया। संध्या आगता, संध्या आगता, संध्या का समय हो गया। वृष्टि पगता, वर्षा थम गई। अरुणी धान क्षेत्र प्रत्यागत, अरुणी जो है धान के क्षेत्र से वापस नहीं है। आश्रम में गुरुधाम में चिंतितो अभवत, आश्रम में गुरुधाम में चिंतितवान होते हैं। सशिष्य सह क्षेत्र क्षेत्रम गच्छत, स वह जो है गुरु धाम में अपने शिष्यों के साथ क्षेत्र की तरफ खेत की तरफ जाते हैं। दुराद धाम में अरुणिम आहियत, दुराद धाम दूर 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 से ही अरुणिम धाम अरुणिम आहियत, दूर से पुकारा आयत में पुकारा। क्षेत्रबंधे तथैव लंबमान आरुणी उच्च उदरत, क्षेत्रबंध में क्षेत्रबंध की तरफ से तथैव लंबमान लंबाई में आरुणी ऊंचे स्वर में उत्तर दिए। गुरुपाद गुरुजी अत्र क्षेत्रबंधे सहित अस्मि, यहाँ क्षेत्रबंध में सोया हुआ हूँ। सर्वे तत्र गच्छन्, सभी लोग वहाँ पर जाते हैं।
पूर्णतया आर्द्र कर्दामक्तम, कर्दामक्तम मीन्स सर्वे पूर्णतया आर्द्र कर्दामक्तम, कर्दामक्तम चारुणि तिष्ठन् धौम्य सहृदय स्नेहेन आर्द्रम भवत्। पूर्णतया आर्द्र पूरी तरह से गीला उनका शरीर च आरुणी दृष्टवा आरुणी को देखकर धौम्य से हृदय, धौम्य का हृदय स्नेह से आर्द्र हो गया। सो अवदत, तब बोलते हैं उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणी, त्वयं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जितवान् अस्ति। तुम्हारा परिश्रम निष्ठापूर्वक च और सर्वेषां हृदयं जितवान् अस्ति, और सभी के हृदय को जीतने वाला है। ऐसे आरुढ़ि स्वस्य गुरुभक्त्या, ऐसे आरुढ़ि स्वस्य गुरुभक्त्या कर्तव्यनिष्ठा च संसारे सर्वदा असरणीयो अभवत्। इस प्रकार आरुढ़ि स्वस्य गुरुभक्त्या अपने गुरु भक्ति को कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ और के साथ संसार में सर्वदा स्मरण करने योग्य बन गया, स्मरण करने योग्य बन गया या याद करने योग्य बन गया।